अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं माय टू फैमिली? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक का शुक्र है ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। तो अभी बना रही हूँ मज़ेदार से पराठे। हमारी मॉर्निंग हो चुकी थी और सुबह का आगाज़ हो गया था ये, लेकिन धूप भी निकल आई है। हम लोग थोड़ा सा लेट उठे हैं और ये मेरी नन जो है धो रही थी कपड़े और उन्होंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी और मैं साथ में बना रही थी मज़ेदार सा नाश्ता। और यहाँ का आप लोगों को पता है आटा फाइन आटा तो नहीं होता, वाइट आटा जिसे कहते हैं, ये दूसरा आटा होता है और उसी के पराठे बन रहे हैं। और मैं पराठे बना रही हूँ, अभी अंडे फ्राई करूँगी और साथ में ये मैंने चाय भी बना के रख ली है। तो बस फटाफट बनाते हैं और फिर बच्चों को नाश्ता करवाते हैं। अभी मैं नाश्ता अंदर लेकर आई हूँ और अभी हम अंदर बैठ के आज यहाँ सहन में यहाँ नाश्ता कर रहे हैं और बाहर वो मशीन लगाई हुई है, आ जाओ बाहर। और हमें अभी सो कर उठाए, अभी हम लोग घर से निकले तो हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर शादी है तो शादी है वहाँ पे उसका जहेज रखा हुआ है, उसको देखने जा रहे हैं। तो अभी हम इनके घर पर आए हैं और कपड़े दिखा रहे हैं, तो सारी आपको वीडियो दिखाती हूँ जो जो कपड़े हैं और कितने ड्रेस हैं। और ये सोने के हैं, गोल्ड ये रिंग है दो और एक झुमके से, और ये ब्लैंकेट हैं और जय नमाज है। और ये तकिया सरहाने, कुर्सियाँ, ये सारी चीज़ें माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। तो भी ये सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, बस अल्लाह पाक उसको पहनना नसीब करे। और बहुत प्यारे प्यारे हैं सब लोग आए हुए मेहमान, मेहमान का सूट है और ये जेंट्स के कपड़े हैं दो, और ये दो जेंट्स के सूट हैं। तो अभी सब लोग यहाँ बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छे सब जहेज की चीज़ें रखी हुई हैं, बस अल्लाह पाक इस लड़की के नसीब अच्छे करे और इसकी किस्मत अच्छी करे। बस माँ बाप तो अपने बच्चों को बहुत कुछ देते हैं, आगे उसका नसीब अपना अपना। और घर भी इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा है और व्यू भी बहुत प्यारा है। और अभी हम लोग घर जा रहे हैं और बस एक घर पे खाना वगैरह खाएंगे। ये देखिए डॉगी, और ये डॉगी है, कहीं काट ही ना लें हमें, तो हम चलते हैं घर। अभी हम लोग घर आए हैं और बारिश में जो है हो रही है, बादल गरजे हैं और मौसम इस तरह का हो रहा है और धूप निकली हुई, इतनी सारी धूप है और उसमें ये बारिश हो रही है, हल्की फुल्की सी बारिश शुरू हो चुकी है। और कहते हैं यहाँ पर कि दुआ मांगी जाए कबूल होती है, और अभी हम सब ने मिलकर दुआ मांगी है, मेरे हस्बैंड ने भी और हमने भी। और अभी कपड़े भी धोए हुए फटाफट उतारते हैं, और क्योंकि देखो पता नहीं है बारिश तेज़ ना हो जाए, और बहुत अच्छा मौसम है। अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं और आज कुछ नहीं बनाया था और दो तीन सालन पड़े थे वही खा रहे हैं, और यहाँ पर ये मोबाइल मांग रही है और मैं अभी उसको मोबाइल दे रही हूँ। तो बस अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, उनके साथ में मूली भी काट रही हैं और बस खाना तैयार है। और यहाँ पे ये हानिया कह रही थी मुझे मोबाइल दो, और अभी आंटी के पास थोड़ा चुप हो गई है। खा लो हानिया। हानिया क्या पहने, फ्रॉक पहनी है आपने? हानिया ने बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक पहनी है जो उसकी नानों ने सिलाई करके इसको दी है, बहुत प्यारी लग रही है, लॉन की अच्छी लग रही है। अरहम नीचे आ जाओ। ये देखिए अभी हम आए हैं फूफो के घर और ये जो है ऊपर चढ़ा हुआ है, और नीचे उतरो, नीचे उतरो गिर जाओगे।
और हानिया ये खेल रही है। हाँ जी, क्या मिले? गाय मिल गए, गाय मिल गई है इसको। तो हम ऊपर चढ़ रहे हैं, अरे हम ऊपर चला गए, अरे हम नीचे आओ। तो मैं अभी जाकर ऊपर देखती हूँ ये कहाँ गए। ये बहुत लगता है आगे चला गया, इसको मैं लेकर आती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। वो सामने और ये नीचे से ये भी रो रही है और कह रही है मुझे भी उठा कर लेकर जाओ। तो मैं इसको भी उठा कर ऊपर लेके आती हूँ। आ जाओ नीचे मम्मा, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। तो आज हम लोग फिर ऊपर आए हैं क्योंकि हानिया बहुत तंग कर रही थी, उसको ये वाली जो छत है बहुत अच्छी लगी। क्योंकि वो जो फूफो के घर पर छत है ना, तो वो उसकी दीवारें हैं और ये जो फूफो बुशरा की हैं, ये जो इसकी दादो की यहाँ की, तो उनके ना यहाँ पे छत की ना दीवारें नहीं है, खुला सा माहौल है यहाँ पे। और फूफो वाली जो छत है उस पर दीवार है और ये इसलिए यहाँ पर खुश हो रही हो। बार बार कह रही थी मुझे ऊपर लेके जाओ और मैं अभी इसको ऊपर लेके आ रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा खुश है। नहीं आगे नहीं, आप इधर देखो चीज़ें, आ जाओ। देखिए कितना अच्छा माहौल है, सुन सन्नाट सा, बिल्कुल सुकून ही सुकून और रिलैक्स है, बहुत प्यारा लगता है ऐसा माहौल मुझे तो। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इंसान कितना पुरसकून होता है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी ये देखें, ये चीज़ लेके आया था चॉकलेट और आधी इसने हानिया को दी है। बड़ी बात है, ये चीज़ बहुत कम देता है, पर अभी जैसे ही लेकर आया फिर कहता है मम्मा आधा आधा, दोनों आधी आधी कर लेते हैं। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी मैंने इनको खोल कर दिया, यहाँ खेलेंगे पीछे पीछे। तो यहाँ पर देखें, ये पीछे मैं अभी जूम करके आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर ये शादी का सामान वगैरह लेके आए, कुर्सियाँ और टेंट वगैरह सब कुछ। और ये यहाँ पर अभी खेतों में लगाएंगे और कल यहाँ पर शादी है। और आज रात को हम लोग जाएंगे मेहंदी पर, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, रात के टाइम है। और ये कल दिन की तैयारी कर रहे हूँ, दिन में जो है यहाँ पर टेंट वगैरह लगा कर पूरा हॉल बनाएंगे बहुत प्यारा सा। तो अभी वो उसकी तैयारियाँ कर रहे हैं, जिसकी मैंने आप लोगों को जहेज़ वगैरह दिखाया था सामान, ये उसी की जो है तैयारी हो रही है। तो चलिए, ये तो आपको मैं रात को अपडेट देती रहूँगी इनकी, और कल जो शादी होगी उसकी भी बताऊँगी कि यहाँ कैसी शादी होती है और कैसा माहौल होता है। 10 नहीं, अभी मामूनी शॉप पर आई गया। अभी हम लोग आए थे मामू की शॉप पर, वहाँ से हानिया ने लिया है लॉलीपॉप और वो मज़े से खा रही है। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, बस गांव में घूमना फिरना, बाहर निकलो घूमो फिरो एंजॉय करो। चलो गाइस, ये देखें अभी मेरे आगे जा रहे हैं, ये लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं और ये स्टेज वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो उन्होंने स्टेज बनाना है बस उसकी तैयारी लगे हुए। और पास ही है घर, तो इसलिए पंजाब में अभी शादी ब्याह की तैयारी हो रही है। और हम लोग अभी जा रहे हैं, मैं और हानिया, आज हमने सेम ड्रेस पहने हैं, थोड़े से कलर एक लग रहा है, उसका भी रेड कलर इस तरह का कलर है और मेरा भी। तो आगे ये बूझे बाजे खड़े हैं, मैं ये देख, बस ये लोग भी मज़े से घूम रहे, इधर घूम रहे उधर घूम रहे, इंजॉय कर रहे हैं। पंजाब की मेहंदी आ रही है, सारे काफ़ी सारा शोर है, चूल्हा बाहर रखा हुआ है, गर्मी है यहाँ पे। और इन्होंने बनाया है सालन और ये बना रही है रोटी साथ में। और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। और अभी हम लोग तैयार होंगे, फिर उसके बाद जाएंगे मेहंदी के लिए। अभी खाना वगैरह खा लें रात का और फिर जाएंगे हम लोग, तैयार होंगे और फिर मेहंदी के लिए चलेंगे। और मेहंदी यहाँ जी, वहाँ का फंक्शन जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी बस घर, बाबा
इधर देखो, इधर देखो। और अभी उम्मे हानिया डांस कर रही थी और यहाँ पर मैंने जो सॉन्ग का जो है वॉइस बंद कर दिया था कि कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैंने इसकी वॉइस बंद कर दी थी सॉन्ग के। गाइस ये देखें हानिया यहाँ पर इस बच्चे के साथ कैसे लाडियां कर रही है और खेल रही है। टोकरी नहीं मिठाई तो दो जरा थोड़ी जी, कोई अच्छी सी मिठाई हो ना नसीब है जी। अभी मैं इसके कपड़े चेंज करने लगी हूँ और हम लोग आ गए हैं घर। आज तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे और पूरा दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और अभी कमरे में सुकून करने आई हूँ। और उस्मान जो है बच्चों को लेके पप्पू के घर गए हैं, वो अभी लेके आते हैं और अभी हम सो जाएंगे। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। बाय बाय करो। बाय बाय।